हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर जो कि कहा जाए हिंदुइज़्म को जिन्होंने प्रमोट किया, और बिग लार्ज मतलब जो है वो एम्पायर था इनका। और सबसे पहले अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर के, मतलब कि भाई कहाँ से सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, तो काफ़ी सारे सोर्सेज मिलते हैं। हर एक ने इनकी बात की है कि एक हाँ ऐसा गुप्ता पीरियड था एक, तो रिलीजियस लिटरेचरों में इनकी बात हुई है, हिस्टोरिकल लिटरेचरों में इनकी बात हुई है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इनकी बात हुई है, फॉरनर्स के अकाउंट्स ने इनकी बात की है, और प्लेज वगैरह काफ़ी, मतलब जो कालिदास के टाइम जो है वो भी यही टाइम पीरियड है, पुराणास में इनकी बात हुई है, एक देवी चंद्रगुप्त नाम का प्ले है उसमें ये बताया गया है कि कैसे जो रामगुप्त था एक रूलर, उसकी जो वाइफ थी उसको छेड़ने के लिए कोई आ गया था, तो उस और रामगुप्त उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और वो उससे फिर शादी करना चाहता था, तो कैसे उसके छोटे भाई ने चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को मारा और उसको मारा जो इन्वेड करने आया था, उसकी वाइफ को ले जाने आया था उसको मारा, और फिर ध्रुवा देवी से जो उसकी वाइफ थी उनके साथ उन्होंने मैरिज कर ली। ये जो रामगुप्त था ये समुद्रगुप्त का बेटा था, द ग्रेट समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन भी कहा जाता है इंडिया का। तो इनकी जो है हर्षचत जो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, उसमें भी बात की गई है गुप्ता एम्पायर के बारे में। कालिदास की मालव अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतला, इन सब में मतलब ये जो भी रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ये सब जो हैं ये कालिदास क्योंकि उसी टाइम में आए थे, तो सारी वर्क जो हैं वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में ही हुए थे इनके। फिर इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में गुप्ता एम्पायर का जिक्र मिलता है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर अगर हम बात करें फॉरनर्स के अकाउंट से, आय सिंह ने जो चाइनीज़ फॉरनर्स थे, आय सिंह हो गया, ह्यून सैंग हो गया, इन्होंने इसकी बात की है कि हाँ एक गुप्ता एम्पायर था। फिर अगर हम बात करें कि गुप्ता जो रूलर्स थे, मतलब किसने फाउंडर कौन था गुप्ता एम्पायर का, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो फाउंडर थे श्रीगुप्त, जिन्होंने रूल किया था 240 टू 280 एडी के बीच में। फिर घटोत्कच हुए, उन्होंने 280 टू 319 एडी तक रूल किया। ये गुप्ता एम्पायर जो है वो हिंदुइज़्म को फॉलो करता था, वैष्णविज़्म वगैरह जो स्टाइल है उसको मतलब मानता था। फिर चंद्रगुप्त वन जो थे उनको माना जाता है फर्स्ट ग्रेट किंग, मतलब गुप्ता एम्पायर के हुए थे जो, वो उन्हें माना जाता है। इनका टाइम पीरियड था 320 टू 335 एडी तक, और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह किया लिच्छवीज एम्पायर वगैरहों के साथ, और फिर इनसे मतलब गोल्ड कॉइन्स वगैरह इशू किए। इनका जो एक्सटेंट था किंगडम का वो भी काफ़ी मतलब बढ़ गया था, कि ये जो है मतलब मगध में ही थे मेन, तो मतलब इनका जो कैपिटल थी वो तो पाटलिपुत्र ही थी, पर जो इनका एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर है उसकी अगर बात करें तो वो काफ़ी बढ़ गया था साउथ में, ईस्ट साइड में, बंगाल बंगाल वगैरह, बिहार वगैरह साइड में, और गंगा वगैरह रीजन नॉर्थ में, तो ऐसे करके काफ़ी बढ़ गया था। फिर अगर हम नेपोलियन की बात करें, इंडिया के नेपोलियन, वो नेपोलियन नहीं, यानी कि समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो उनका जो एम्पायर है वो 335, मतलब टाइम पीरियड जो है वो 335 टू 375 ईडी है रूल करने का। फिर समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में इनकी बात हुई है, हरिसेन्स के जो जिन्होंने बनाया है प्रशस्ति वगैरह, और ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन में इनकी बात हुई है, कॉइन्स में इनकी बात हुई है। फिर समुद्रगुप्त की अगर कन्क्वेस्ट की बात करें तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अपना कन्क्वेस्ट किया,
और फिर जो है नौ राजाओं को नॉर्थ इंडिया के उनको डिफीट किया। फिर इन्होंने कौन कौन से नाइन रूलर्स थे जिनको नॉर्थ इंडिया के जिनको समुद्रगुप्त ने डिफीट किया, तो वो थे रुद्रदेव जो कि वकटक रूलर कहे जाते थे मॉडर्न बुंदेलखंड रीजन के, मटीला था जो कि नाग चीफ था, वो मॉडर्न बुलंदशहर के थे जो एरिया मतलब उधर के रूलर थे। नागदत्त की बात करें तो वो मथुरा जो प्रेजेंट टाइम के हैं उधर के रूलर थे। गणपति नाग की बात करें तो विदिशा रीजन के वो रूलर थे। नागसेन ग्वालियर जो प्रेजेंट टाइम का है उधर के रूलर थे। अच्युत जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट यूपी की जो है आज के टाइम की वहाँ के रूलर थे। चंद्रवर्मन जो हैं वो मारवाड़ राजस्थान के वहाँ के रूलर थे। नंदी की बात करें तो सेंट्रल इंडिया के मतलब जो है रीजन में उधर इनका रूल था। बाल वर्मन की बात करें तो असम जो साइड है असम एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ के वो रूलर थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई समुद्रगुप्त का जो नॉर्थ इंडिया का ही इस कन्क्वेस्ट से कितना एरिया इन्होंने अपने हासिल कर लिया। नॉर्थ ईस्ट का एरिया मतलब आ गया यूपी साइड का एरिया, आ गया मध्य प्रदेश साइड का एरिया, आ गया इवन राजस्थान का एरिया भी आ गया। तो ऑलमोस्ट मतलब नॉर्थ इंडिया का सारा कैप्चर इन्होंने कर लिया। फिर इन्होंने दक्षिण पथ की तरफ कन्क्वेस्ट स्टार्ट किया यानी कि साउथ साइड में, तो इन्होंने 12 किंग्स को उधर डिफीट किया। वो थे कोशाल महेंद्र जहाँ के मतलब कोशाल जो रीजन है उसके जो महेंद्र राजा थे उनको डिफीट किया जो रायपुर वगैरह स्टेट में संबलपुर बिलासपुर वगैरह उस एरिया के मतलब किंग थे। फिर महाकंटारा वो उड़ीसा रीजन के रूलर थे। फिर कारूला वो मध्य प्रदेश के मतलब जो टच करता होगा मतलब छत्तीसगढ़ वाला साइड या साउथ साइड को टच करता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया में ही आता है एज वी ऑल नो। फिर जो है पिष्टपुरा का जो एरिया था वो महेंद्रगिरी मतलब जो आज के टाइम की है उधर के रूलर थे। कोठूरा जो है वो स्वामीधाता वगैरह उन रूल मतलब उस एरिया साइड के रूलर थे। एरांडपाला को जो है उनको डिफीट किया। कांची अवमुक्ता वेंगी पलक्का देवश्रा कुश्तलपुरा तो इन सब जो है इन सब को डिफीट किया और मतलब इन के रूल जो है वो भी इनके पास आ गया। तो ये तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को ही कंक्वेस्ट कर लिया इन्होंने। तो और इन वजह से कईयों ने मतलब जो है वो अपनी सबमिशन दे दी, जैसे कि एक तो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, नेपाल रीजन हो गया, इन सब ने इनको अपना मतलब राजा मान लिया वगैरह। फिर फॉरेस्ट ट्राइब्स को इन्होंने सप्रेस वगैरह किया। फिर फॉरेन पावर्स के साथ इन्होंने रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। श्रीलंका वगैरह तक मतलब बात करें अगर हम वहाँ तक इनके मतलब जो है एक्सपेंशन होने लगा। अश्वमेध सेक्रीफाइस इन्होंने करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया इन्होंने समुद्रगुप्त ने। जो इनका एम्पायर है वो जो है वो एक्सटेंड हुआ मतलब गुप्त एम्पायर का समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में वो एक्सटेंड हुआ। हिमालयाज इन द नॉर्थ टू नर्मदा रिवर इन द साउथ फ्रॉम वंगा यानी कि वंगा यानी कि बंगाल जो अब के टाइम का है वहाँ से लेके साउथ किंगडम्स के जितने भी हैं मतलब साउथ किंगडम्स वहाँ तक इनका मतलब जो है वो सुप्रीमेसी जो है वो मेंटेन हुई। फिर वेस्टर्न पंजाब अफगानिस्तान साकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया श्रीलंका यहाँ तक भी मतलब इन्होंने जो है अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इनकी जो कैपिटल थी वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इनकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही थी।
गुप्ता एम्पायर की भी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो देता था। फिर समुद्रगुप्त के बारे में अगर और चर्चा की जाए तो क्योंकि ये जो है समुद्रगुप्त ये मेन रूलर माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। और मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं रूलर, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी कुछ कम नहीं है। तो इनकी अगर अचीवमेंट्स की बात, तो एक ग्रेट पोएट थे, ग्रेट रूलर थे, लिटरेरी फिगर थे, और मतलब वीणा वगैरह वगैरह बजाते थे, ये म्यूज़िक का इन्हें बहुत शौक था, हिंदुइज्म में बिलीव रखते थे, टॉलरेंस की पॉलिसी में ये मानते थे। तो अभी बुद्धिस्ट वगैरह भी इनके टाइम पीरियड में काफ़ी फैले, स्प्रेड हुए, और मतलब अपना जो रिलीजन है वो प्रीच की करने दिया उन्हें भी अपना, क्योंकि हालांकि ये खुद हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। तो समुद्रगुप्त ने मतलब अपने टाइम पीरियड में मतलब काफ़ी क्वाइंस भी मतलब जो हैं वो मिंट करवाए। बहुत ही अच्छा फिजिक था इनका, और चैरिटेबल थे, काइंड थे, चैरिटी दिया करते थे। फिर जो है उसके बाद चंद्रगुप्त के जो बेटे मैंने अभी आपको बताया वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू आए, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। तो चंद्रगुप्त टू जो कि जिन्होंने मार दिया था रामगुप्त को, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, तो चंद्रगुप्त जो है वर्दी सन ऑफ ए फादर, वर्दी फादर, ये मतलब काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एज़ कम्पेयर टू रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त बड़े थे तो इसलिए उन्हें अपॉइंट किया गया, लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि रामगुप्त अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इन्होंने खुद कैप्चर कर लिया, और मतलब खुद उन्हें मार दिया और खुद रूल जो है वो ले लिया। कुछ ऑथर्स इनके बारे में कहते हैं कि चंद्रगुप्त इनहेरिटेड द मिलिट्री जीनियस ऑफ हिज फादर एंड लॉन्च्ड अपॉन ए कंपेन ऑफ कंक्वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। एज ए श्रूड स्टेट्समैन ही कंक्लूड मैट्रिमोनियल अलायंस विद अदर रॉयल डायनेस्टीज, यानी कि रॉयल डायनेस्टीज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए, ताकि मतलब उनका जो एम्पायर है वो भी यही ले लें, और मतलब वो कोई वॉर वोर वगैरह इंगेज ना करें, अगर ले भी ना तो मतलब वैसे तो लेना ही होता है, क्योंकि जो एक बड़ा एम्पायर के अंडर ही अपना रीजन तो सभी एक्सपेंड करना चाहते हैं इन शॉर्ट, तो क्यों ना ले। आर्ट एंड लिटरेचर के लिए काफ़ी मतलब इन्होंने भी जो है वो काम किया, और रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने भी अपनाई। तो इसलिए ये भी एक प्रोमिनेंट प्लेस रोल प्ले करते हैं मतलब। फिर अगर हम बात करें इन्होंने मतलब शाकाहारी रूलर्स जो थे उस टाइम पे, रुद्र सीमा थे थ्री था, तो वेस्ट साइड में थे ये, गुजरात साइड में, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा वगैरह, तो उनको हराया। सिग्निफिकेंस इसका क्या निकल के आया इन कन्क्वेस्ट का वेस्ट इंडिया में जो इन्होंने करी उसका, कि एक तो प्रेस्टाइज इनका इंक्रीज़ हुआ चंद्रगुप्त टू का, एक इनका गुजरात तक के एरियाज में जो रूल है वो एक्सटेंड हुआ, जिससे कि अरेबियन सी तक इनकी पहुंच बढ़ी। अरेबियन सी से मतलब पहुंच बढ़ी तो अरेबियन सी से ट्रेड के रास्ते खुलने लगे। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो भी अच्छी हुई। तो उज्जैन जो है द ग्रेट थी वो इनके हाथ में आ गई इस कन्क्वेस्ट के चक्कर में, क्योंकि मतलब वेस्ट साइड मिडल में ही है ना, वो भी सेंटर में ही मध्य प्रदेश वाली साइड है, तो वो भी इनके एरिया में आ गई। तो जो फॉरेन डायनेस्टी साका डायनेस्टी थी उनको इन्होंने टॉपल कर दिया, वो जो है फिर वो उन्होंने मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म ही होगी साका डायनेस्टी उसमें से। फिर उन्होंने मेहरोली पिरामिड इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि भाई वांगा एंड वहीलकाज के अगेंस्ट इन्होंने मतलब जो है वो
वॉर करी और ये मतलब जीते। वंगा और ये जो है वाइल्काज रीजन, ये आपको मैंने बताया पहले भी कि भाई ये जो बंगाल प्रेजेंट टाइम का है वो रीजन है। फिर इन्होंने भी अश्वमेध सेक्रीफाइस वगैरह करवाया, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने भी करवाया अपने रीजन में। फिर इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस जैसे मैंने आपको बताया वो भी इन्होंने करे। तो इनका जो है चंद्रगुप्त टू का जो एम्पायर है वो एक्सटेंड होता है हिमालयाज इन द नॉर्थ टू नर्मदा रिवर इन द साउथ, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू अरेबियन सी इन द वेस्ट। तो यहाँ तक का सारा जो रीजन था ये इनके कंट्रोल में आ गया। और ये इसलिए ही आया क्योंकि ये भी कैपेबल लीडर थे, ये भी फाइन आर्ट्स की प्रोग्रेस के लिए काम किया करते थे, लिटरेचर की डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। कॉइन्स वगैरह इन्होंने भी मिंट करवाए और मतलब आर्चर टाइप की भाई वो धनुष बाण लिए हुए एक खड़े हैं और ऐसे तो, और हॉर्समैन जो मतलब घोड़ा चलाते हुए एक सिपाही सा दिखता है ना हमें कई पेंटिंग्स वगैरह में, और वो इन्होंने बनाया। एक टाइगर को साहब मारता हुआ एक आदमी, तो वो मतलब किंग ही मारता था उस टाइम पे, तो वो दिखाया शिकार पे मतलब जाते थे ना ये किंग्स वगैरह, तो वो इन्होंने दिखाया। तो गोल्ड कॉइन जो है वो इस टाइम पे मतलब लार्ज नंबर में इशू हुए। इन रूलर्स की पर्सनैलिटी को दिखाते थे जो कॉइन्स हैं वो कि, और ये दिखाते थे कि भाई इंडियन करेक्टर में कितनी प्योरिटी है, और लक्ष्मी जी गरुड़ जी लोटस फ्लावर वगैरह उनकी भी जो है वो कॉइन्स में दिखाए गए हैं। फिर प्रेस्टाइज दिखाते थे राजा का कि भी कितना मतलब राजा के पास कितना प्रेस्टाइज वगैरह है। फिर जो है आगे रूलर्स जो हुए वो हुए स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। फिर स्कंदगुप्त के टाइम में ही जो है स्कंदगुप्त ने ही 455 टू 467 एडी तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने हूनास के अगेंस्ट जो है वो सक्सेसफुल वॉर फेयर वॉर्स किए, और इन्होंने ही सुदर्शन लेक जो है वो रिपेयर करवाई थी जो उस टाइम पे अशोका के टाइम में जो इन्होंने कैप्चर की थी ना, अशोका ने जो कैप्चर की थी मौर्य टाइम पीरियड में, उस रीजन को इन्होंने रिपेयर करवाया था फिर स्कंदगुप्त ने। फिर जो है स्कंदगुप्त के लास्ट मतलब मेजर रूलर माना जाता है, और उसके बाद फिर लेट जो है गुप्ता एम्पायर के जो मतलब रूलर्स जो भी आए वो इतने मतलब पावरफुल रूलर नहीं हुए, तो इसलिए ये धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने भी मतलब वैसे अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी जिस पे मतलब किंग वगैरह बैठता था, क्राउन प्रिंस मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस, मिनिस्ट्री ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस एंड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजियस अफेयर, चीफ ऑफिसर ऑफ कैवलरी, एलिफेंट के लिए चीफ ऑफिसर। और कुमार मत्याज एक ऐसे रूलर मतलब जो कि आज के टाइम की जैसे अपन ब्यूरोक्रेसी में जो बात करते हैं ना वो उस टाइम पे मतलब उनका नाम होता था कुमार मत्याज गुप्ता टाइम पीरियड में, तो उनके ऊपर बात की गई है। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इनकी जो इनकम है कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी, टैक्सेस ऑन ट्रेड, रॉयल मिंट, सॉल्ट माइंस, फिर एक्सपेंडिचर है वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए ये लगा देते थे, और कोर्ट्स वगैरह जो है लॉ एंड पनिशमेंट्स वगैरह, तो मतलब कोर्ट्स वगैरह जो है वो लगनी हुई, रिलीजियस टॉलरेंस थी, रिजुविनेशन ऑफ हिंदुइज्म इस टाइम पीरियड में मतलब हिंदुइज्म ग्रो किया बहुत ज़्यादा, लिटरेचर साइंस एंड एजुकेशन में मतलब ये बहुत ही आगे थे। क्योंकि अगर बात की जाए कि कौन कौन थे इस टाइम पीरियड में, तो इसी टाइम पीरियड में हुए थे कालिदास, शुद्रगा, विशाखदत्त, हरिसेन, भरवी, असंगा, वासुदेव, अमर सिंह, तो मतलब जो हम बात करें
नवरत्न थे ना अकबर के जैसे थे, तो उससे पहले अकबर से पहले इनके पास गुप्ता रूलर्स के पास अष्ट दिग्गज, मतलब बात की जाए तो वो थे, और उनमें से नाम मैंने जो आपको भी बताए, मतलब वो सारे मेन जो हैं वो मिनिस्टर्स थे इनके। फिर आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉट हुआ, नोमर ऑफ दिस, मतलब एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिन्होंने बताया, ग्रेट मैथमेटिशियन, वो इस टाइम पीरियड में हुआ आर्यभट्ट। वारामिर जो अनदर मैथमेटिशियन हुआ, वो भी इस टाइम पीरियड में हुआ। ब्रह्मगुप्त भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। वाघभट जो कि एक मेडिकल साइंटिस्ट था, वो इस टाइम पीरियड में हुआ। स्कल्पचर्स, पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर में ये जो है वो रुचि लेते थे, इनकी हॉबीज़ थी, तो वो भी इस टाइम पे काफ़ी डेवलप हुआ। मेटलर्जी, क्वाइनेज, इंडियन कल्चर को अब्रॉड तक लेके गए, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, और इस साइड में बात करें तो अफ़गानिस्तान तक और म्यांमार वगैरह साइड भी, तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया और मतलब वेस्ट एशिया वगैरह को इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशंस थे इनके साथ। फिर मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, इसलिए बुद्धिस्ट टेंपल्स, विहारास, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, ये सब काफ़ी डेवलप हुई इस टाइम पीरियड में। एक जो सारनाथ में गुप्त बुद्ध की जो स्टैचू है वो इसी टाइम पीरियड में लगी। फिर पेंटिंग्स, अजंता पेंटिंग्स वगैरह है वो इस टाइम पीरियड में, मतलब अजंता पेंटिंग्स वगैरह आई, बाग पेंटिंग्स आई, पेंटिंग्स भी मतलब काफ़ी आई, म्यूज़िक वगैरह, ये तो मैंने आपको बात कर ही ली। फिर मैथमेटिक्स की भी और एस्ट्रोनॉमी की भी बताई थी मैंने आपको कि भाई, और तमिल लिटरेचर भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ग्रो किया था। अच्छा, ना सिर्फ हिंदू लिटरेचर या ऐसे ग्रो किया, मैंने कहा था ना कि रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी, इसलिए बुद्धिज़्म भी काफ़ी ग्रो किया। उनके जो प्रोमिनेंट जो उस टाइम पीरियड के बुद्धिस्ट लीडर्स, मतलब वो मॉन्क्स वगैरह हुए, वो थे असंका, वांग, वसुबंधु, दिनंगा, बुद्धघोष, धर्मपाल, चंद्रकीर्ति। तो सोशल इकोनॉमिक लाइफ अच्छी थी, जो वीमेन की लाइफ थी वो मतलब सुधरी थी, फिर भी एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर के जी वगैरह से सुधरी थी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एज। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अम्यूज़मेंट्स वगैरह थे, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स मतलब अच्छे लोग पहना करते थे, और अम्यूज़मेंट्स वगैरह तो हंटिंग चैरियट वगैरह ही थे। फिर बात करें कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम थे वैदिक पीरियड की तरह, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, अनटचेबिलिटी भी थी, अगर स्लेवरी वगैरह भी थी। और इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गिल्ड सिस्टम, ये सब, ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह ये सब था उस टाइम पीरियड में। एग्रेरियन इकोनॉमी जो है उसकी बात करें गुप्ता पीरियड में, तो लैंड किस टाइप का है, ओनरशिप ऑफ लैंड किसकी है, और उस पर मतलब जो है टैक्स उस हिसाब से लगता था, लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते थे अगर सूखा पड़ गया तो, लैंड सर्वे वगैरह होने लगा कि मेजरमेंट होने लगी लैंड की कि किसके पास कितनी लैंड है वगैरह, मोड ऑफ कल्टीवेशन वगैरह, और फ्यूडल सोसाइटी की जो है वो बिगनिंग होने लगी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होने लगा। फिर जो है इस टाइम पीरियड में ही जो हूनाज की जो पावर है, जो कि वेस्टर्न एशिया से आए थे और सेटल हो गए थे वेस्ट इंडिया वाली साइड में, उनको इन्होंने डिक्रीज़ किया और मतलब एकदम से ख़त्म सा ही कर दिया, और फिर वो एसिमिलेट ही हो गए थे हिंदुज़म में। तो लेकिन जो क्या है कि इकोनॉमिक इफ़ेक्ट हूनाज इन्वेजन से ये पड़ा कि मतलब थोड़ा तो पड़ा ही हूनाज इन्वेजन से इकोनॉमिक इफ़ेक्ट, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा पड़ा। कल्चरल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया था, वो कम नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा जैसे पहले था, और बड़ा ही मतलब कम नहीं हुआ कल्चरल इफ़ेक्ट से। तो ये सारी बात है। रिलीजियस इफ़ेक्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छा रहा,
तो ये सब बात थी गुप्ता एम्पायर के बारे में। सो थैंक यू सो मच। बस मेन इस बात यही याद रखना है कि जो मेन हैं रूलर्स, उनके बारे में ज़रूरी याद रखना है कि एक तो जैसे कि समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त टू हो गए स्कंदगुप्त के बारे में, तो ये जो हैं दो तीन और भी अगर हों तो मतलब मेन तो यही दो तीन हैं, तो इनको मतलब जितना भी है इनके बारे में वो सब पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।